रुपए और सोना चांदी मिलने पर अच्छे अच्छे लोगों की नीयत डोल जाती है। जानकारी होने पर भी लोग इस बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं करते। इन सब से अलग हटकर एक साधारण किसान ने भुगतान में मिली अतिरिक्त धनराशि सहकारी बैंक पहुंचकर वापस कर दी। किसान के इस व्यवहार से जहां उसकी ईमानदारी सामने आई, वहीं बैंक के कर्मचारी को नुकसान से बचा लिया गया। धान उपार्जन सत्र 2023-24 के लिए किसानों को उनकी पैदावार के मामले में ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। किसानों के खाते में भुगतान ट्रांसफर करने के बाद उसकी निकासी की व्यवस्था हर जिले में सहकारी बैंक के स्तर पर की गई है, जहां से किसान नगद रकम प्राप्त कर सकते हैं। सक्ती जिले के डबरा स्थित सहकारी बैंक में आसपास की विभिन्न समितियों में पंजीकृत किसानों के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जानकारी के अनुसार किसान शुभाराम को बैंक के कैशियर के द्वारा 15,000 के बजाय 25,000 की राशि दे दी गई थी। बैंक मैनेजर जनक राम यादव ने बताया कि घर पहुंचने पर किसान ने वास्तविकता की जानकारी हासिल की और इसके बाद बैंक पहुंचकर अतिरिक्त धनराशि को वापस कर दिया और अपनी ईमानदारी दिखाई। समिति छोटे कटे को गाँव में कृषक है खुशीनाथ चंद्रा पीतलाभ रामचंद्रा, ये विड्राल करने के लिए आज बैंक आया हुआ था। इनको 15,000 देना था, लेकिन केशिया के द्वारा 25,000 भुगतान कर दिया गया था, जिसको 10,000 अतिरिक्त पैसा जो मिला था उसको उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए घर से वापस ला के बैंक में जमा किया, केशिया के वापस किया। इसके लिए वो किसान को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैंक में सही समय पर आकर वापस कर दी। समय के साथ नैतिक शिक्षा को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है और बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी नए संस्कार प्राप्त कर रही है। शहरीकरण की हवा से कोसों दूर रहने वाले ग्रामीणों में ईमानदारी और परोपकार जैसे गुण अभी भी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और वे इसके माध्यम से दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। जांजगीर से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।